माँ कुष्मांडा देवी मंदिर कानपुर महानगर से 60 किलोमीटर दूर घाटमपुर में स्थित है, जहाँ पर माँ का मंदिर है। वहाँ लगभग 1000 वर्ष पूर्व पूरा क्षेत्र जंगल था और वहाँ सारे गांव के लोगों में एक ग्वालिया अपनी गांव को चराने उस जंगल में ले जाया करता था और शाम को अपने घर वापस आ जाता था। तब वो गायों से दूध निकालने के लिए बैठता था, मगर गाय से दूध नहीं निकलता था। ऐसे अनेकों बार होने से उसने इसका कारण जानने के लिए गाय के साथ निकल पड़ा। गाय चरते चरते एक स्थान में रुक गई और गाय के आंचल से दूध की धारा अपने आप उस स्थान पर गिरने लगी। जब यह नज़ारा ग्वाले ने देखा तो वह स्तब्ध हो गया और उसी रात माँ ने उस ग्वाले को सपने में अपने दर्शन कराए। दूसरे दिन वह उसकी जगह पहुंचा और उस जगह की खुदाई की। खुदाई के उपरांत उसने देखा माँ के पिंड लेटी अवस्था में विराजमान थी। ग्वाले ने आसपास की सफाई कर मूर्ति की स्थापना वहीं कर दी। ग्वाला कुल्हाड़ा के नाम पर माँ कुष्मांडा देवी का एक नाम कुड़हा देवी भी है। जब हमने वहाँ पहुंचकर जनता से बात की तब उन्होंने माँ कुष्मांडा देवी के बारे में बताया और ये भी बताया, जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना करते हैं और मन्नतें मांगते हैं तो माँ कुष्मांडा देवी उनकी मन्नतों को पूरा कर देती हैं। लोगों ने बताया कि माँ की चरणों में जो जल अर्पित किया जाता है और वही जल को लोग अपने घर ले जाते हैं और जो भी रोगी होता है वो इस जल को ग्रहण करके धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और इस जल में खास बात यह है कि जो लोग नेत्रहीन होते हैं उनकी आंखों में ये जल लगाने से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। क्या नाम है आपका माता जी? हमारा नाम मिलासा है। इस मंदिर की क्या मानता है, ये कौन सा मंदिर है? कुष्मांडा देवी के नाम से मंदिर है, उसे पुराना कुड़हा देवी मैया लेकिन अब कुष्मांडा मैया कहते हैं। जैसे मान लो किसी के लड़का बच्चा न होत हो, ब्याह न होत हो या नौकरी, तो आदमी मानता से आवा कि हमारा यो काम पूरा हो जाए, धरन धर देते हैं। अगर ब्याह होगा तो जो आदमी के सिद्धा संतान है वो आदमी चढ़ावना चढ़ाता है। जैसे कोई की नेत्रों में कम समझ में आता है तो मैया का जल लगाता है, ले जात है भरी के वो भी लगाता है, कोई कोई ईंटा ले जाता है उसकी सेवा भी करता है। हर सोमवार शुक्रवार आता है आदमी तो वो सेवा करता है तो आदमी के नेत्र भी ठीक हो जाते हैं। अगर अच्छे मन से नेचो मन से सेवा करो तो मैया तुम्हारा पूर करती है। बरसों साल पुराना है, कम से कम 2 साल 2000 से ऊपर है मंदिर। ये जमाना गुजर गया, हमारे बाबा परवाजा सरबाजा सब खात पिया चले आ रहे, हम खात पी रही हैं भाई नाइन माँ। तो यही है सब की मैया का जिसका काम पूरा होता है, और जैसे भय की है ब्याहे की है तो आदमी अपन पूजा करता है आके। क्या नाम है आपका? छोटे। क्या इस मंदिर की क्या वो है और इसको कब से देखा जाता है यहाँ? हमारे बाप दादा ख़त्म हो गए, जब उम्र हो गई वो लोग पाते रहे यहाँ, हिंसा पाती खाते रहे और वो भी पूजाते रहे, और अब उसके बाद हम हैं उनके लड़के तो हम कर रहे हैं यहाँ पे सेवा। और ये कम से कम नहीं होगी क्या, कभी बता दे रहे कि 200 बरस कम से कम 200 बरस। इस मंदिर की क्या खासियत है और इस मंदिर के बारे में क्या है? गाय खासियत बात है जो आप लोग देख रहे थे, गाय खासियत है और जल डालो तो आदमी आता है पूजा करता है, जाए ये जो मानता है वो पूरा होता है। कानपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।